सलवार काटने का तरीका। सबसे पहले बेल्ट का कपड़ा निकाल लो, 8 इंची, 8 इंची बेल्ट का कपड़ा, ये 8 इंची, 8 इंची बेल्ट का कपड़ा काट लो। एक कपड़े में थोड़ा डैमेज भी है इसलिए पहले काट लीजिए। कटिया सलवार की लंबाई है 37 इंची, 37 इंची सलवार की लंबाई। सलवार की लंबाई 37, ये पहले मैन पल्ला आगे का सेंटर का पल्ला काट लिया जाए, सलवार का सेंटर पल्ला, ये है सेंटर पल्ला का 6 इंची कम कर दे, तो यहाँ 5.5 इंची छोटा पर काट लिया, इतना 37 इंच लंबाई, 1/2 इंच फालतू ले ली, ये मैन हो गया सेंटर का पल्ला, ये हो गया सलवार की मोहरी, 16 इंच, 8 गुना 16 इंच मोहरी, ये सलवार का कली निकालना है। सलवार का कली जो है ये इस हिसाब से, दूसरा चौक मिला, ये हो गया मोहरी 8 इंची है, 8 गुना 16 इंची मोहरी, फिर ये यहाँ से ये रखना है तो घेरा 26 इंची, 26 इंची घेरा रखना है, 26 इंची ये 5.5 इंच, ये 15 इंच, ये देना है, ये थोड़ा सा डाउन होना चाहिए ऊपर की तरफ, ये हो गया। इसके बाद फिर जो है फिर अब इस हिसाब से अब इसको ऐसे करके दो, अब ये सलवार का कली हो गया, ये सलवार का कली, फिर ये पास ये कली हो गया, इसके सलवार के ऊपर वाला भाग दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए हमेशा, ये इसका घेरा है कम, फिर इस कपड़े से इसका घेरा बढ़ा दो, इस कपड़े से घेरा यहाँ ले आओ, फिर ये हो गया, फिर ये जाकर के 5.5, ये 15 इंची आसन का नीचे, फिर इस हिसाब से
यही देखना है कि इसी में दोनों चारों कली आ जाना चाहिए। यह 16 इंची है, यह 16 इंची। ये छोटा कली, फिर इसमें से फिर ऐसे आ गया। अब ये हमारा गया पूरा पूरा हो गया। फिर इसमें से ना ये काट दिए, अब ये पूरा पूरा घेरा से सलवार हो गया। फिर 16 इंच लिख दिए। ये बेल्ट 27 इंची, 27 इंच बेल्ट, बहुत डिफेक्ट बचा के काटना पड़ता है। कस्टमर थोड़ी ना देगा डिफेक्ट वाला। 27 इंच, 28 बार फिर ये ले लिया। ये 2 इंची इसमें नेफा के लिए फोल्ड करना। अब इसकी लंबाई फिर एक बार चेक कर लो कितना है पूरी लंबाई। ये लंबाई हो गया, ये इसमें इतना है चढ़ा के रख दिया। लंबाई कितना? 37 इंची, देखो 37 आ गया। ठीक है, 27 इंच बेल्ट। सलवार काटने में ये ध्यान रखना चाहिए, ये यहाँ निशान है और ये यहाँ, थोड़ा सा इधर से तिरछा जाना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ यहाँ रख लिए, यहाँ फिर यहाँ आया ना, तो रहेगा ये ज्यादा घेर रहेगा। ये बेल्ट का ये सलवार को बंद करो, शर्ट का लगा लेता।